नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान में हम चर्चा करेंगे, नागरिकता के विषय में चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंत तक वीडियो मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। और 29 सितंबर रात को 10 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से, मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ, ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई है कि पुलिस जो 52,699 पद हैं उन्होंने बताए हैं उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और कभी भी इस महीने में, वर्ष 2023 अक्टूबर के महीने में 2023 में कभी भी भर्ती आयोग के द्वारा, पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा विज्ञापन आप लोगों के लिए दे दिया जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी जोरदारी से और पूरी ईमानदारी से, ठीक है, और पूरे निष्ठापूर्वक करते रहिए। ध्यान से बिल्कुल अपना जो समय है आपको पूरा का पूरा अपनी तैयारी के लिए देना है। परिश्रम करते रहिए। आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको वर्दी मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। और चैनल के साथ जुड़े रहें, बाकी का जीएस का पोर्शन, हिंदी का भी पोर्शन, और आने वाले समय में सारे टीचर्स पढ़ाएंगे इस पर चैनल पर। आप लोगों के सहयोग के माध्यम से चैनल मोनेटाइज भी हो गया, इस वजह से सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक नागरिकता है, तो पहले चर्चा कर लेते हैं नागरिकता के विषय में। नागरिकता को समझ लेते हैं, कितने प्रकार से भारत सरकार नागरिकता देती है और ऐसे कितने प्रकार हैं जिन प्रकारों के माध्यम से भारत सरकार नागरिकता को समाप्त भी कर देती है। एक कानून है, उस कानून को आपने पढ़ा होगा, उसे आपको याद भी रखना चाहिए। आज मैं याद भी करा दूंगा आपको। 1955 में सबसे पहले एक कानून बनाया गया था, नागरिकता अधिनियम, वर्ष 1955 का था। इसमें अभी तक सरकारों ने, जो अलग अलग सरकारें आई हैं, 6 बार संशोधन कर चुकी हैं उसी कानून में, जो सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम के नाम से बनाया गया था। 6 बार संशोधन कर दिया अलग अलग सरकारों ने, समय के हिसाब से, समय की परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग सरकारें आई, उन्होंने संशोधन किया है, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, आर्टिकल से इसका आता है, भाग इसका संविधान में पूछा जाता है, संविधान के भाग 2 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है हमारे देश में। दुनिया के बहुत सारे देशों में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता बोले तो भारत में एक समय में जो नागरिकता दी जाती है वो एक ही नागरिकता दी जाती है और एक ही देश का नागरिक रह सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ रह रहा हो, भारत की नागरिकता भी प्राप्त हो और दूसरे देश की भी नागरिकता ले रखी हो, इस तरीके की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत एक संघ देश है, संघीय देश है, जैसे कनाडा से अपनाया गया है, संघात्मक व्यवस्था है हमारे देश में। लेकिन संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, यह संसद की जो व्यवस्था है उसे दोहरी व्यवस्था भी कह सकते हैं। एक केंद्र की व्यवस्था है और एक राज्यों की व्यवस्था है, लेकिन नागरिकता की व्यवस्था एकल नागरिकता है, जिस व्यवस्था को हमने इंग्लैंड के संविधान से अपनाया है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना आप, ठीक है। 5 ऐसे प्रकार सुझाए गए हैं 1955 के अधिनियम में कि इन 5 प्रकारों से भारत की नागरिकता दी जाती है किसी भी नागरिक को। और इसमें एक शर्त तो ये रहती ही रहती है कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत का कानून लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय कम से कम भारत में जन्म हुआ हो भाई उस व्यक्ति का, या उसका जन्म नहीं हुआ हो तो माता पिता में से कोई ना कोई भारत का नागरिक रहा हो। ये बहुत सारे तथ्य हैं। और 3 ऐसे प्रकार भी बताएं कि 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त भी कर दी जाती है व्यक्ति की, है ना। मैं बहुत डिटेल में इसको विस्तार से आपको समझाने चल रहा हूँ, लेकिन बेसिक पॉइंट आपके बहुत सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से आ जाएंगे। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे, देखते हैं नागरिकता के बारे में। तो देखिए कौन से भाग में बताया हमने, भाग 2। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नागरिकता का हेडिंग डाल लीजिए। भाग 2 में है, संविधान के में नागरिकता टॉपिक का नाम है, और आर्टिकल है, अनुच्छेद है 5 से 11 तक, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेदों का प्रावधान है। और कौन से देश से अपनाई गई है ये व्यवस्था, ब्रिटेन से, या इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, इंग्लैंड भी लिखा आ सकता है, उसी देश को इंग्लैंड और उसी को ब्रिटेन कहा जाता है। ये बेसिक पॉइंट है, इन बेसिक पॉइंटों को याद रखिए। पुलिस जैसे एग्जाम में, एसआई जैसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब सुनिए आप विस्तार से नागरिकता के विषय में कुछ चर्चा करते हैं हम आपके साथ। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान के तहत नागरिकता को भी लागू कब कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई भारत की जो नागरिकता की व्यवस्था है वो कब लागू करी थी देश ने, या देश में कब लागू हुई थी, तो 26 जनवरी जब संविधान बनके तैयार हुआ था वो वाली डेट इसमें रखी गई है, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता की भी व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है, नोट कर लेना आराम से। दूसरा पॉइंट, भारत में केवल, ध्यान रखना है ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल प्राकृतिक प्राकृतिक नागरिकों को ही क्या दी जाती है, नागरिकता दी जाती है, ठीक है।
ऐसे पॉइंट को नोट करना, बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देखेंगे वो समझ पाएंगे कि नागरिकता का है क्या मसला संविधान के भीतर, कौन से नागरिकों को नागरिकता देता है हमारा देश, केवल प्राकृतिक नागरिकों को। प्राकृतिक नागरिक बोले तो ह्यूमन बीइंग, जो व्यक्ति हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं या महिलाओं की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को ही दी जाती है हमारे यहाँ नागरिकता। किसी मशीन को, किसी कंपनी को, किसी रोबोट को नागरिकता नहीं दी जाती है। ऐसी की व्यवस्था दुनिया के कुछ देशों में विगत कुछ वर्षों में देखने को मिली है। जैसे कई बार चर्चा में करंट अफेयर्स का पॉइंट है कि विश्व का पहला देश बताइए जिसने रोबोट को नागरिकता दे दी है। रोबोट क्या एक मशीन ही तो है? रोबोट एक मशीन है और उसको भी नागरिकता दे दी है। किसने दी है? सऊदी अरब ने। दुनिया का पहला देश है सऊदी अरब जिसने रोबोट को नागरिकता दे दी है। लेकिन हमारे भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ना किसी को अभी तक नागरिकता दी गई है, ना किसी मशीन को, ना किसी रोबोट को, ना किसी प्रकार के अन्य किसी चीज को। ठीक है, तो केवल व्यक्तियों को। बाकी के किसको नहीं देती है हमारी सरकार? कंपनी को नहीं दे सकते, कोई निगम कॉरपोरेट हो, रोबोट हो, इनको नागरिकता नहीं दी जाती है। लेकिन सऊदी अरब विश्व का पहला देश है जिसने रोबोट को नागरिकता दी है और उसका नाम रखा है सोफिया। ब्रैकेट में इस पॉइंट को भी लिख लेना, जब पूछा जा सकता है, चर्चाओं में रहता प्रश्न है। ठीक है, संसद को अनुच्छेद 11, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, छाप लेना इसे दिमाग दिमाग में छाप लेना और दिमाग में उतार भी लेना, क्योंकि पेपरों में कई बार आ चुका है। आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। नागरिकता के लिए कानून कौन बनाती है भाई? भारतीय संसद कानून बनाती है। कौन से आर्टिकल में बनाती है? कौन से आर्टिकल के द्वारा बनाती है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है इसके द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनता है हमारे देश में? तो आर्टिकल 11 है और मैं आपको बता चुका हूं कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक है, फिर आगे 12 से मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो संसद को अधिकार है नागरिकता के लिए कानून बनाने का, तो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके संसद कानून बनाती है, संसद के अंदर बैठे हुए लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो नागरिकता दी जाती है वो कौन से कानून के द्वारा दी जाती है? 1955 का ये नागरिकता अधिनियम सबसे पहले बना था। अब आप समझ ही रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, कौन से प्रधानमंत्री के शासनकाल में व्यवस्था लागू हुई? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जो नागरिकता अधिनियम बनाया गया संसद के द्वारा। तो 1955 में क्या है अड़चन? अर्जन का मतलब कैसे नागरिकता दी जाएगी, अर्जन का मतलब प्राप्त करना। भाई नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, ये चीज भी कहां पे लिखी गई है? 1955 में। विदेशी कोई व्यक्ति हमारे देश की नागरिकता लेना चाहे तो वो कौन से अधिनियम के द्वारा नागरिकता दी जाएगी उसको? 1955 के कानून के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। और उसकी समाप्ति भी कैसे की जाएगी? 55 के द्वारा। तो दोनों ही तथ्यों को लिखा गया है, नागरिकता कैसे दी जाएगी और कैसे समाप्त की जाएगी, दोनों मसले, दोनों मुद्दे आपको कहां पे मिलेंगे? 1955 के भारत नागरिकता अधिनियम में। ठीक है जी, प्रावधान है। अब इन्हें मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप एक पॉइंट में लिखेंगे और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 1955 के भारत नागरिकता जो अधिनियम है उसके द्वारा कितने प्रकार से नागरिकता देता है भारत, हमारा देश कितने प्रकार से नागरिकता देता है? यदि किसी बाहर के व्यक्ति को नागरिकता लेनी है तो कितने प्रकारों से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, या क्या क्या प्रावधान है नागरिकता लेने के, हमारा देश का नागरिक बनने के? तो प्रावधान क्या क्या है देखो, पॉइंट लिख लेना कि 5 प्रकार से नागरिकता का उल्लेख है। भाई 5 प्रकार से नागरिकता देने की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। कौन से कानून में की गई है? 1955 नागरिकता अधिनियम, जो कि कब बना? पहली सरकार में, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। तो 5 प्रकार कौन से हैं? एक तो जन्म, एक वंश के आधार पर, ये तो आप समझ ही रहे हैं। जन्म का मतलब क्या हो गया भाई? आपने जन्म कहाँ पे लिया? भारत में जन्म लिया है। जब हमारे देश का संविधान बन के हो गया तैयार 26 नवंबर 1949 को, उस समय आप भारत के निवासी थे या भारत में ही जन्म हुआ? उससे पहले भारत में जन्म हुआ तो जन्म के आधार पर आपको मिलेगी। आप भारत में जन्म लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ के नागरिक बनेंगे? भारत के नागरिक मिलेंगे, ये तो जन्म के आधार पर हो गया। दूसरा वंश के आधार पर, वंश का मतलब ये है कि जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया या 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, इन दोनों वर्षों में से आपका जन्म भारत में नहीं हुआ, आपका जन्म होता है किसी अन्य देश में, लेकिन आपके पिता या माता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक रहा हो, समझ रहे हैं आप? जब संविधान लागू हुआ, कानून लागू हुआ, तो उस समय आपके माता या पिता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए, कहाँ का? भारत का। तो इस आधार पर नागरिकता देता है हमारा देश। तो ये हो गया वंश। वंश का मतलब कोई ना कोई वंश का व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो उन वर्षों से पहले। पंजीकरण के आधार पर,
जैसे बाहर का व्यक्ति आता है तो भैया रजिस्ट्रेशन देता है, आवेदन करता है सरकार को, तो पंजीकरण के आधार पर सरकार विचार करती है नागरिकता देने के लिए, है ना। लिखित में दो सरकार को आप अपने सारे तथ्यों से अवगत करा करके, तो उसके आधार पर। और एक है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण का मतलब यह है कि कम से कम भारत में आपको 10 या 11 साल रहना चाहिए पहले। 11 साल कम से कम, 11 साल आप रहेंगे भारत में, तो 11 साल रहने के बाद जब आप आवेदन आवेदन करेंगे सरकार को, गृह मंत्रालय को आवेदन करेंगे, तब सरकार विचार करेगी आपको नागरिकता देने पर। तो इसको बोलते हैं देशीकरण वाला। कम से कम कितने वर्ष रहना चाहिए, ये रूल है 1955 के अधिनियम में, 11 साल के बाद आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और अगला है एक और है इसमें, क्षेत्र समाविष्ट। कहने का मतलब जैसे अगर भारत की ज्योग्राफिकल हम कंडीशन देखें, हमारे देश के उत्तर में कौन सा देश है, नेपाल है, छोटा सा देश है, और भूटान भी है भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर पूर्व में म्यांमार भी है। मान लीजिए कल के लिए म्यांमार भारत का हिस्सा बन जाए पूरा का पूरा, तो जब म्यांमार भारत का हिस्सा बन जाएगा तो म्यांमार के जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि म्यांमार कौन से देश का हिस्सा हो जाएगा, भारत का हिस्सा हो जाएगा। या बांग्लादेश भारत का हिस्सा बन जाए कल के लिए, तो बांग्लादेश के जितने भी नागरिक रहेंगे वो सब कहाँ के नागरिक हो जाएंगे, भारत के। मतलब कोई विदेशी क्षेत्र अगर भारत में शामिल हो जाता है तो उसके सारे नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसको बोलते हैं क्षेत्र समावेशन के आधार पर। तो कितने प्रकार से नागरिकता देता है देश, 5 प्रकार से। ये 1955 के नागरिकता अधिनियम में दे रखी है व्यवस्था, ठीक है। शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा, पूरा मजा आएगा, चिंता ना करें। शानदार तरीके से संवैधानिक क्लासेस डेली आपको मिलती रहेंगे। ये नागरिकता का भाग है, भाग दो, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की भी बात करेंगे, आर्टिकल 1 से 4 तक, छोटा है उसे पढ़ाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स को ले रहा हूं मैं। मौलिक अधिकार नीति है सख्त सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, भारत और केंद्र के संबंध, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहें, पूरा निःशुल्क कोर्स आप पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं 1955 में जो अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955 वाला, उसमें अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार भैया सुदामा? 6 बार संशोधन हो चुका है। कौन कौन सी वर्षों में? सबसे पहले 1986 में किया, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, पांचवी बार 2015 में, और छठी बार हुआ है संशोधन इसमें 2019 में। जब इसमें संशोधन किया तो कौन सी सरकार है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 2019 में आपने देखा होगा बहुत विरोध हुआ जब ये संशोधन किया गया, तो इसमें 3 देश शामिल करे गए, कौन से? एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, और एक कौन सा किया? बांग्लादेश। ये 3 देशों के 6 धर्मों के लोग, कितने धर्मों के लोग? 6 धर्मों के लोगों को भारत में आने की या भारत में नागरिक बनने की अनुमति दी गई संशोधन करके, ठीक है। कौन से देशों में? 3 देशों को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो कि वर्ष 2019 में एक संशोधन लेकर के आई सरकार। और संशोधन कौन से कानून में किया? 1955 वाले कानून में। और इसमें सरकार ने यह कहा, संसद के अंदर पारित करा के लोकसभा राज्यसभा से, कि हमारे पड़ोसी मुल्क 3 देश, एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, क्योंकि तीनों के तीनों जो मुल्क हैं वो धर्म के आधार पर बने हुए मुल्क हैं, और इन तीनों मुल्कों में जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है सबसे ज्यादा, और दूसरे जो धर्मों के लोग रह रहे हैं वो बहुत कम संख्या में रह रहे हैं, या उनका उत्पीड़न हो रहा है, या उनका अत्याचार किया जा रहा है उन पर वहाँ के लोगों के द्वारा या वहाँ की सरकारों के द्वारा। तो इन 3 देशों से 6 धर्मों के लोगों को भारत में आ सकते हैं और भारत में नागरिकता भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। 6 धर्मों में कौन कौन से हैं? जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है, हिंदू है। इन 5-6 धर्मों को शामिल किया गया है, ठीक है, 2019 वाले संशोधन में। तो अब तक कितनी बार संशोधन कर चुकी है सरकारें? 6 बार कर चुकी है। कौन से अधिनियम में? 1955 वाले अधिनियम में। अब देखो कुछ मौलिक अधिकार लिख दिए मैंने, देखो आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। चाहो तो लिख लेना, ये मौलिक अधिकार में भी पढ़ाऊंगा मैं, बीच में एक लाइन यहाँ पे भी डाल दी थोड़ी सी मैंने। अब आप कहेंगे कि ये क्या है गुरुजी, लाइन लगा दी आपने अनुच्छेदों की, तो लाइन तो कुछ नहीं लगाई साहब। इसमें ये लिखिए कि ये मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है ये मौलिक अधिकार। कई कई बार कठिन क्वेश्चन जब बनता है तो इनमें से आर्टिकल्स आपको छांट के दे देता है, ठीक है, कि ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। वो कहता है कि बताइए इन मौलिक अधिकारों में से कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। सभी का मतलब भारत के और विदेशी दोनों लोग आ गए इसमें, सभी यहाँ शब्द आ गया। वह सभी तो भारत के हैं ही, लेकिन विदेशी जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको भी प्राप्त हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स। तो
ऐसे भी पूछ लेता है संविधान में कि सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो लाइन लगी पड़ी है जी, इनका नाम अभी आप लिख लेना, बाकी की मौलिक अधिकारों में चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में डिटेल में, एक एक आर्टिकल्स के बारे में। ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है 28 तक, 25 में धर्म की स्वतंत्रता है और 26, 27, 28 में इनमें धार्मिक संस्थाओं के बारे में दे रखा है, और 28 में तो ये लिख रखा है कि शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 27 में ये लिख रखा है कि किसी विशिष्ट धर्म के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कोई दबाव नहीं दिया जाएगा किसी व्यक्ति पर, किसी विशिष्ट धर्म के लिए कि भाई इस धर्म के लिए आप टैक्स दो, कर दो, वो दो, उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 27 में लिखा है ना। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता है, और 26 में है किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से संस्थानों की स्थापना करने की आजादी है पूरी हमारे देश में। ठीक है, तो ये धर्म से संबंधित हैं सभी आर्टिकल, और इससे पहले आपने सबने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, आर्टिकल 14, 20, 21 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं ये मौलिक अधिकार। तो ये सभी अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जी, मतलब भारत के नागरिकों को अथवा विदेशी लोगों, विदेशी नागरिकों को भी, विदेशी लोगों को भी उपलब्ध है हमारे देश के भीतर यदि विदेशी लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशी, विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। प्रश्न आ जाए कि भाई ये बताओ कि विदेशियों को प्राप्त कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो आर्टिकल 14, 20, 21, 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सभी हैं, कुछ को छोड़ करके इनमें से अगर बात करेंगे तो लगभग सब हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं मौलिक अधिकार। ये टॉपिक मौलिक अधिकारों का ही है वैसे, कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, ये मौलिक अधिकारों का ही प्रश्न है वैसे, लेकिन यहाँ पर नागरिकता में लिख दिया है, आप पहले याद कर लो, फिर अगला जो पार्ट आएगा वो मौलिक अधिकार ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इन दोनों पॉइंटों को, अभी अल्पकाल लिख लेना इनके बारे में, चूंकि आर्टिकल्स बहुत है डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों वाले हिस्से में इसका। आगे बात करते हैं, नागरिकता संविधान की संघ सूची का विषय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, छाप लेना। आपसे पूछा जाता है कि भैया जो नागरिकता वाला विषय है वो कौन सी सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का, या संघ। संघ बोले तो भारत सरकार निर्णय लेती है इस पर, कौन सी सरकार निर्णय लेती है, भारत सरकार। नागरिकता कौन खत्म करता है, भारत सरकार। नागरिकता देता कौन है, भारत सरकार। तो कौन सी सूची में आ गया, संघ, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का प्रावधान है। संघ का मतलब भारत सरकार या केंद्र सरकार या संघ सरकार हो गई, जिसमें 100 विषय शामिल हैं। कितनी विषय हैं वर्तमान में, 100 विषय हैं जिन पर सरकार कानून बनाती है, संघ सरकार। तो संघ सूची का विषय, नागरिक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, इस पॉइंट को भी लिख लेना यह जानकारी आपके लिए। जो नागरिक शब्द है ये संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है, कहीं डेफिनेशन नहीं है इसकी। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो सब जानते ही है, रट लेना इस बात को। आपसे पूछा जाएगा कैसी नागरिकता है भारत में, एकल नागरिकता भारत में, रट लेना इस बात को। एक ही समय में वो भारत का नागरिक रह सकता है, ना कि किसी दूसरे देश का नागरिक। ठीक है, अब एक सिद्धांत था और एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है जस सोली, जो नागरिकता से संबंधित है। ये सिद्धांत कहता है जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करना, काय के स्थान पर, जन्म स्थान, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ हो किसी भी देश में उसके आधार पर नागरिक बनना चाहिए वो देश, या नागरिकता दी जानी चाहिए। ये एक सिद्धांत है काफी प्राचीन, उस सिद्धांत का नाम है पुराने का जस सोली का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को अपनाया गया हमारे देश में। ठीक है, एक और सिद्धांत है, देखिए एक सिद्धांत का नाम है जस सांगुनियस, जस सांगुनियस सिद्धांत है, पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ाई दे रहे हैं आपको, विस्तार से बता भी दे रहे हैं। ठीक है, जस सांगुनियस सिद्धांत है, यह क्या कहता है, रक्त संबंधों के आधार पर मान्यता देनी चाहिए, रक्त संबंधों के आधार पर, रक्त संबंधों के आधार पर मान्यता देनी चाहिए। ये काफी विवादास्पद व्यवस्था रही, रक्त संबंधों के आधार पर मान्यता देनी चाहिए, इस व्यवस्था को माना नहीं गया, अपनाया नहीं गया हमारे यहाँ। मोतीलाल नेहरू जी की जो रिपोर्ट 1928 में बनी थी, उन्होंने भी संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण किया था, 7 सदस्यीय कमेटी थी, लॉर्ड वर्किन हेड की चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने संविधान बनाया। 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करी थी उन्होंने, अध्यक्ष खुद मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, ऐसे अन्य महान विशेषज्ञ इसमें शामिल थे, और रिपोर्ट बनाई, संविधान के तथ्यों को बनाया। तो उन्होंने कहा कि भाई जस सांगुनिस वाला जो सिद्धांत है वो भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, लोक व्यवस्था के खिलाफ है ये, रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता नहीं दे सकते, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता दी जाएगी भारत में।
तो कौन सा सिद्धांत कहता है जन्म स्थान को? जस सोली का सिद्धांत कहता है, ये लिख लीजिएगा, जानकारी होगी आपको। तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई 1928 में, तो जस सोली के सिद्धांत का क्या किया था? समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट ने। ठीक है, नोट कर लेना आपके लिए ये जानकारी। अब देखिए भारतीय संविधान कैसा है? संघीय संविधान है, संघात्मक संविधान है। संघात्मक या संघीय शब्द का मतलब होता है, आपसे पूछा जाए कि यही बताओ भाई कि व्हाट इज संघात्मक या संघीय व्यवस्था क्या है? तो संघीय व्यवस्था का मतलब है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, इसकी परिभाषा ये होती है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उसी को क्या बोलेंगे? संघात्मक व्यवस्था, उसी को बोलते हैं संघीय व्यवस्था, जो कि कनाडा के संविधान से अपनाई है। इसमें कैसी दोहरी राज पद्धति पढ़ लेते हैं, एक केंद्र की पद्धति एक राज्य की, इसको अपनाया गया है। लेकिन एकल नागरिकता की व्यवस्था है हमारे देश में, कैसी नागरिकता की व्यवस्था है? एकल नागरिकता, राज्यों के लिए कोई पृथक व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, राज्यों के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है भैया, राज्यों को अधिकार नहीं है नागरिकता देने का, ये कहना चाह रहा हूं मैं। नागरिकता देने का अधिकार किसको है? भारत सरकार को। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1955 के अधिनियम के द्वारा। कितने प्रकार से दे सकती है सरकार? 5 प्रकार से। खत्म कितने प्रकार से कर सकती है? 3 प्रकार से नागरिकता को। अभी हाल ही में एक अभिनेता जिनका नाम जाने माने प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार जी, बॉलीवुड के जाने माने सितारे, स्टंटमैन बोल सकते हैं, उनके लाइफ में शुरू से मूवी की उन्होंने, एक समय ऐसा था, सभी के जीवन में रहता है अप एंड डाउन्स आते हैं जीवन में, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, समस्या आती है, कठिनाई आती है, परिश्रम करना पड़ता है, लगातार आप परिश्रम करते रहेंगे, अथक परिश्रम करते रहेंगे, तो उसका उदाहरण भी मैं आपको बता रहा हूँ, नागरिकता के हिसाब से बता रहा हूँ, अक्षय कुमार जी का उदाहरण है, हालांकि बड़े व्यक्ति हैं लेकिन उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो उनके जीवन को। एक समय था कि उनकी बहुत सारी मूवीज आई 2010, 9, 10, 11 में और लगातार फ्लॉप होती चली गई, पैसा भी डूब गया उनका बहुत सारा, उनके बारे में लिखा गया बॉलीवुड मैगजीन्स में अलग अलग, पैसा भी डूब गया, पिक्चर भी खत्म हो गई उनकी, मतलब जो पिक्चर बनाई जितना पैसा लगा वो बिल्कुल पिक्चरें चल नहीं पाई ऑन स्क्रीन बॉलीवुड पे सिनेमाघरों में। तो पिक्चर जब लगातार फ्लॉप हो गई तो उन्होंने भारत को छोड़ने का मन बना लिया, और छोड़ने का मन बना लिया तो वो उन्होंने कहाँ चले गए? कनाडा, उत्तरी अमेरिका में चले गए, और कनाडा की जाकर के क्या ले लिया उन्होंने? नागरिकता। वहाँ पे कई साल रहे भी, लेकिन जब वहाँ उनका दिल और मन नहीं लगा, दिल और मन तो कहाँ पे था? भारत में, भारत की मिट्टी में। चूंकि अक्षय कुमार का नाम वैसे भाटिया करके, रजत भाटिया है उनका वास्तविक नाम, वो पंजाब के रहने वाले, उनके माता पिता पंजाब के रहने वाले थे। फिर वापस आते हैं वो कई साल बाद, और फिर कई साल बाद वापस आने के बाद फिर ट्राई करते हैं, फिर परिश्रम करते हैं अपनी कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, जो आर्टिस्ट थी उनकी, जो स्पेशलिस्ट थी वो कलाकार के रूप में थी, तो दोबारा से पिक्चरें बनाते हैं, फिल्मों का चयन करते हैं और फिल्में लेकर के आते हैं, फिर लगातार एक के बाद एक सुपरहिट चली जाती है उनकी मूवी। जब सुपरहिट चली गई तो काम चलने लग गया, काम चलने लग गया तो अक्षय कुमार जी दौड़ने लग गए, और दौड़ने लग गए तो मन लग गया उनका सपनों की नगरी में दोबारा से। सपनों की नगरी बोले तो मुंबई शहर की मैं बात कर रहा हूँ। अब समस्या ये है कि नागरिकता कहाँ की ले ली उन्होंने? कनाडा की, और हमारे यहाँ से तो छोड़ के गए जब वहाँ से नागरिकता ले ली। अब भारत में रहेंगे तो भारत की तो नागरिकता जरूरी है भाई, कानून के हिसाब से। कौन से कानून के हिसाब से? 1955 के अधिनियम के हिसाब से। तो आप देख ही रहे हैं और हम देख ही रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं हम अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज को, आपने भी देखा, हमने भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा, जहाँ तक जो भी लोग पसंद करते हैं। सेना के लिए वो डोनेट भी बहुत काफ़ी करोड़ों रुपये करते हैं सेना के लिए। तो उन्होंने आवेदन दे दिया सरकार को, दिया होगा कई साल पहले आवेदन किया होगा, कई सालों से तो लगातार रह रहे हैं। तो इसमें एक पॉइंट है देशीकरण के आधार पर। तो देशीकरण का क्या मतलब है कि कम से कम कितने साल भारत में रहना चाहिए? 11 साल, उसके बाद आप आवेदन करेंगे तो सरकार विचार करेगी। तो अक्षय कुमार जी तो 11 साल से, कहीं अधिक से ज्यादा सालों से रह रहे हैं भारत में, तो उन्होंने आवेदन किया तो उनको अभी हाल ही में नागरिकता भारत की दी गई है 15 अगस्त 2023 को। किसको दी गई है? अक्षय कुमार को। तो एक उदाहरण भी है, ये तो नागरिकता का उदाहरण दिया, चूंकि टॉपिक में नागरिकता पढ़ा रहा हूँ आपको, एक उदाहरण किसका है? संघर्ष का है, कठिन संघर्ष का है। एक बार हताश हो गए, करोड़ों रुपए डूब गया उनका, लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा से अपने काम में लगे और दोबारा से अपने काम में स्थापित हो गए। ठीक है, तो आपको भी हार कभी नहीं माननी चाहिए, मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। कभी कोई पता नहीं किस्मत का, समय का, आपके भाग्य का कि आप 6 गेंदों में से कौन सी गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दोगे। ठीक है, क्रिकेट की तरह है कंपटीशन का गेम भी, आप मैदान में लगे रहेंगे तो संभावनाएं रहेंगी। आप देखते हैं क्रिकेट गेम कितना रोमांचक होता है, अंतिम गेंद तक भी जीतने की संभावना रहती है किसी भी गेम में, हार नहीं मानती है, चाहे फील्डिंग वाली टीम हो, चाहे बैटिंग वाली टीम हो, चाहे रन कितने भी ऑन बोर्ड लगे हो सामने,
ऐसा ही कंपटीशन का दौर है भाई साहब, आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आप तब तक मैदान में हैं, तब तक आपकी उम्मीद है और उम्मीदों पर आप लगातार परिश्रम करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य आपको मिलेगी। किसी ना किसी दिन आप 6 या 4 चला ही जाएगा आपका। तो दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। ये दोनों देश उदाहरण के लिए लिखे, मैंने लिख लेना। अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है और स्विट्जरलैंड में भी। एक आर्टिकल लिखा है, जो वैसे आर्टिकल तो आप पढ़ लीजिएगा, 5 से 11। 5 में क्या लिखा है? संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी है। आर्टिकल 5 में जो लिखा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सभी आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ लिखा है नागरिकता से संबंधित। चूंकि सभी ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, इसके नागरिक का कानून जो 55 वाला है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 11 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाग 2 इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना। तो आर्टिकल 5 क्या लिख रहा है? संविधान लागू होने के समय, मतलब संविधान कब लागू हुआ हमारा? 26 जनवरी 1950। तो उस समय भारत का नागरिक होना जरूरी है आपके लिए, चाहिए आपके लिए। तो आर्टिकल 5 में ये लाइन लिख दी है उन्होंने। अब फिर एक बार मैं आपको समझा रहा हूं कि नागरिकता भारत सरकार कैसे देती है। जन्म से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने जन्म लिया है तो। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर माता पिता में से कोई कहां का नागरिक रहा हो? भारत का नागरिक रहा हो। पंजीकरण के आधार पर केंद्र सरकार को आप क्या दे करके? आवेदन दे करके प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से आवेदन प्राप्त करके नागरिकता दे सकती है भारत सरकार आपको। प्राकृतिक का मतलब वो ये देशी रूप से, है ना। कितने साल आप भारत में रहे? 10, 11 साल, 12 साल, 14 साल बाद। अगला है किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल करके। समाविष्ट का मतलब कोई भी क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उस हिस्से के सभी जो नागरिक होंगे वो कैसे हो जाएंगे? भारत के नागरिक बन जाएंगे। कहने का मतलब किसी विदेशी क्षेत्र के द्वारा अगर भारत का हिस्सा बन जाता है वो, तो भारत के नागरिक हो जाएंगे सभी। ठीक है, लिख लेना आराम से, चिंता ना करें। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी साहब? 3 तरीके से, 3 तरीकों से नागरिकता की समाप्ति भारत सरकार करती है। स्वेच्छा से यदि कोई त्यागना चाहे, जैसे अक्षय कुमार गए भारत छोड़ के, तो स्वेच्छा से ही तो त्याग के गए होंगे कि साहब ले लो हमने ना चाहिए नागरिकता, तो स्वेच्छा से छोड़ के गए। तो उन्होंने कहाँ की नागरिकता ले ली? कनाडा की जाके। तो स्वेच्छा से छोड़ सकता है कोई व्यक्ति। दूसरा, बर्खास्तगी के द्वारा, भारत सरकार बर्खास्त भी कर सकती है। अलग अलग अगर तथ्यों को ध्यान में रखकर के अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे बहुत सारे आरोप पाए जाते हैं कि वो दूसरे देशों की मदद कर रहा है, भारत की जो हमारी जानकारी है, बहुत सारी खुफिया एजेंसियों खुफिया जो जानकारी है भारत की वो अन्य देशों के साथ साझा कर रहा है, या और भी गलत भारत विरोधी चीजों में शामिल है वो, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर के सरकार नागरिकता बर्खास्त कर देती है ऐसे लोगों की, तो बर्खास्तगी के द्वारा। तीसरा, वंचित करने पर। वंचित का मतलब है कि फर्जी तरीके से अगर किसी ने नागरिकता प्राप्त कर ली हो हमारे देश की। कौन से तरीके से? फर्जी तरीके से यदि कोई नागरिकता प्राप्त कर ली हो, नागरिक बन गया हो, तो उसके भी नागरिकता सरकार समाप्त कर सकती है, इसे बोलते हैं वंचित करना। ठीक है, तो 3 तरीके से खत्म की जा सकती है। स्वेच्छा से कोई व्यक्ति छोड़ के जा सकता है, बर्खास्तगी कर सकती है सरकार देख करके अगर वो गलत चीजों में लिप्त है, सरकार के खिलाफ लिप्त है, देश के खिलाफ लिप्त है, राज्य के खिलाफ लिप्त है, और वंचित फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, कौन ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? देखो लिख लेना, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आर्टिकल 15 है, 16 है, 19, 29 और 30, कितने हो गए? 5, 5 आर्टिकल हो गए। 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो, और 5ों मौलिक अधिकार के हैं जो केवल किनको प्राप्त हैं? भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। ये नोट कर लेना, इसे मौलिक अधिकार में और विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है कि सभी को कौन से प्राप्त हैं, भारत के नागरिकों को कौन से प्राप्त हैं। तो भारत के नागरिकों को 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, अब आ जाते हैं। मैंने बताया था कि 6 बार संशोधन किया जा चुका है नागरिकता अधिनियम 1955 में। जो 6वां संशोधन किया है वो कौन सी साल में किया है? 2019 में। तो 2019 में कितने देशों को अनुमति दी है 6 धर्मों के लोगों के लिए? 2019 का जो संशोधन है उसमें 3 देश हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान। कितने धर्मों के लोग आ सकते हैं? 6 धर्मों के। 6 धर्मों में एक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। 6 धर्मों के लोग इन 3 देशों से भारत में आ सकते हैं और भारत में नागरिकता उन्हें दी जाएगी इस संशोधन के माध्यम से। आपने देखा होगा वर्ष 2019 में जब सरकार ने यह पारित कराया तो बहुत बड़ा विरोध भी हुआ, दिल्ली में तो सड़कें भी जाम कर दी गई थी एक विशेष समुदाय के द्वारा
उस विशेष समुदाय की ये डिमांड थी कि भाई इसमें उस धर्म को भी शामिल करो। लेकिन सरकार का ये तर्क था, ये कहना था कि भाई जो तीन देश हैं इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उन देशों की जो जनसंख्या है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कौन सी है, मुस्लिम धर्म की। तो ज्यादा जनसंख्या है वो तो अच्छे से निवास कर ही रहे हैं वहां पे, सारे अधिकार हैं उनको वहां की मिट्टी में, वहां के देश में, वहां के अधिकारों में, वहां के संविधान में। लेकिन जो कम संख्या में लोग वहां रह रहे हैं उनको वो अधिकार नहीं होंगे संभवतः प्राप्त। तो इस वजह से भारत की सीमाएं उनके लिए खुली हैं, भारत के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो छह धर्मों के लोग भारत में आ सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो तीन देशों को 2019 के संशोधन में जोड़ा गया। तो ये था आज का हमारा नागरिकता का टॉपिक। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, जो चीज समझ में नहीं आई उसे दोबारा से हम बताएंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैंने आपको विस्तार से कोशिश करी है पढ़ाने की इस क्लास को, जो पहले पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ यही पढ़ लेना आप, यहीं से आपका कल्याण हो जाएगा, इतने से बाहर ही नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। आपसे पूछा जाएगा तो नागरिकता कौन से देश से ली गई है, ब्रिटेन से। नागरिकता का प्रावधान कौन से भाग में, भाग दो में। नागरिकता का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11 तक। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है नागरिकता के विषय पर, तो आर्टिकल 11 के द्वारा। सबसे पहला कौन सा कानून बनाया गया जो नागरिकता के लिए बनाया गया भारत में, 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। अभी तक इस कानून में कितनी बार बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, समय के हिसाब से 6 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। और अंतिम बार जो संशोधन किया है वो 2019 में किया है, और पहली बार जो संशोधन किया था वो 1986 में किया गया था। इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना। 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जाती है। इन पॉइंटों को अच्छे से भलीभांति नोट कर लेना, यूपी पुलिस में वर्दी आपको पक्का मिल के रहेगी, चिंता नहीं करनी है। लगातार ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। कंप्लीट निःशुल्क ये कोर्स है आप लोगों के लिए जीएस का, और चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल पर नए हैं, आपने नया विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पुराने हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। लगातार इसी प्रकार से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, चैनल को आगे सपोर्ट करते रहें, बढ़ाते रहें। और सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें। जो भी इतने भी पुलिस के विद्यार्थी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के विद्यार्थी, कभी भी विस्फोट हो सकता है, अंतिम चरणों में चल रहा है विज्ञापन की कार्रवाई। पुलिस भर्ती आयोग पूरा तैयार है, कभी भी आपके लिए विज्ञापन दे देगा। इस वजह से आप अपनी तैयारी शानदार और पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ बनाए रखें, चिंता ना करें। देवेंद्र क्लासेस आपके साथ है बिल्कुल, और आपको वर्दी पहनाए पहना करके रहेगा हमारा संस्थान, हमारा चैनल, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और सभी को राधे राधे, और राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। नमस्कार।